The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, आपकी अपनी ही जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे रहस्य जिनके बारे में आप नहीं जानते। रहस्य आपके दिल में है, रहस्य आपके घर में है, रहस्य आपके जहन में घर किए हुए हैं, लेकिन उन्हें चाहिए ज्ञान की ज्योति जो मिल नहीं पा रही है। अब ज्योति नहीं मिल पा रही तो दिक्कत ये आ रही है कि जिंदगी में समझ नहीं आ रहा कि रोशनी किधर को है। अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और फिर जब इतना अंधेरा हो तो क्या होता है? गुस्सा आता है। हम लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम अपनी ही ज़िंदगी को ख़त्म करने की बातें करते हैं, सोचते हैं या फिर ऐसे कदम भी उठा लेते हैं। ये सही बात नहीं है। हम अपने एपिसोड में हमेशा यही कहते हैं, हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब हमेशा यही कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर दिक्कत है तो उसका हल भी है, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा जब आप नीचे लिखे नंबर्स पे कॉल करेंगे, धैर्य रखना पड़ेगा जब अपॉइंटमेंट के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा जब तक आपकी समस्या हल नहीं हो जाती। प्रोफेसर साहब के पास भी कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है कि वो घुमाएंगे और सब सही हो जाएगा, लेकिन उनके पास वो ज्ञान की ज्योति है। जब वो वाली छड़ी घुमाएंगे, ज्योति वाली छड़ी घुमाएंगे, तो वाकई ही ऐसा दावा करते हैं वो कि सब ठीक हो जाएगा। सो प्रोफेसर साहब को फ़ोन करने से लेकर उन तक आने तक, चाहे लुधियाना ऑफिस हो या फिर चंडीगढ़ ऑफिस हो, तब तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ना। और आप यकीन मानिए कि जब आप, जैसे ही आपके कदम ऑफिस के अंदर एंटर होंगे, वैसे ही आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। अभी आपकी कुंडली देखी नहीं गई है, अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं किसी सही जगह पर आ गया हूँ या आ गई हूँ। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा ऐसे हो जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, जब आप उनके सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चक्र जो है वो घूमता है, और वो घूमने के साथ किसी ऐसी जगह पे जाके क्लिक करता है कि सब कुछ जो है वो सकारात्मक लगना शुरू हो जाता है। तो हमारे प्रोफेसर साहब भी ऐसे ही हैं, ये चीज़ फील करके बोल रहे हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ बातों बातों में कही जा रही है, ये इस चीज़ का तजर्बा है, इसी वजह से बात कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में लोग कहते हैं, इस वजह से इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आज हमने आज इस एपिसोड की शुरुआत की थी कि जब ज़िंदगी की समस्याएँ हल नहीं होती तो आता है गुस्सा। गुस्सा क्यों आता है? जेब में पैसा नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। बच्चे ने कोई बुरा काम किया, नाम रोशन नहीं किया, तो गुस्सा आ जाता है। पत्नी कहा नहीं मान रही है, गुस्सा आ जाता है। बिजनेस में ठगी कर दी, लॉस हो गया, तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के अनगिनत कारण हो सकते हैं, छोटे भी और बड़े भी। क्यों आता है गुस्सा और कैसे निपटा जा सकता है इससे? गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि ये घरों के घर तबाह कर देता है। जो कत्ल करता है फायदा उसका भी नहीं, जिसका कत्ल हुआ वो तो चला ही गया। सो नुकसान ही नुकसान लेके आता है गुस्सा। तो आज का ये जो एपिसोड है हमारा, गुस्से के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब से कि गुस्सा क्यों आता है, हमारी कुंडली में ऐसी कमजोरी कहाँ है कि हम गुस्सा लेकर आए हैं, और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सो ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो आज की जनरेशन है बहुत गुस्सा करती है, कैसे निपटा जाए उससे,
प्लीज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज का ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आजकल के लाइफस्टाइल को लेकर। स्वागत कर लेते हैं, पहले बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब। गुस्सा मुझे बहुत नहीं आता, लेकिन जैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि किसी की जान तक ले लेते हैं, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं, क्यों आता है? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने। आज तक भी मेरे 200 से ऊपर एपिसोड हो चुके हैं, आज तक गुस्से के ऊपर एपिसोड नहीं हुआ। बहुत अच्छा पूछा, लेकिन ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि 90% लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, 10% लोग ही हैं जिन्हें गुस्सा कम आता है। चलो मेरा एपिसोड गाथा से शुरू होता है, पहले एक छोटी सी गाथा हो जाए तभी समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं धार्मिक लूँगा फिर बाद में गुस्से का एक टिप दूंगा, ऐसा टिप दूंगा कि जिंदगी भर गुस्सा नहीं आएगा, फिर मैं ग्रहों के ऊपर जाऊंगा। क्योंकि हर चीज को बहुत बारीकी में बताता, कोशिश करता हूं कि बारीकी में बताऊं ताकि आपको समझ ले। यानी कि आज फिर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, इन्होंने बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे बताएंगे, और फिर मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, और मैं आपसे मिलूंगी जब प्रोग्राम की एंडिंग हो रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि ये लंबा एपिसोड होने वाला है, क्योंकि मेरी गथाएं जब चलती हैं तो लंबी चलती हैं। मैं आपको बताता हूं पहले इंसान को गुस्सा क्यों आता है और कैसे आता है, जब इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। जैसा कि अपने ऊपर अपनी बात को वो मनाना चाहता है, हर बात के ऊपर वो चाहता है कि मैं हैवी हूं, मेरी बात सच है, आप झूठ बोल रहे हो, तभी गुस्सा आता है। और जब कभी ग्रहों का मेल होता है तब गुस्सा आता है, मंगल और सूर्य का मेल होता है, मंगल और शनि का मेल होता है, जब कभी भी ऐसे ग्रह मिलते हैं, और जब शनि और सूर्य और मंगल तीनों का कॉम्बिनेशन होता है अग्नि राशि में आ जाए तो बहुत गुस्सा आता है। ये ग्रहों की बात है, पहले मैं आपको समझाऊंगा गाथा से लेकर। एक आम इंसान था, वो किसी महात्मा के पास गया और वहाँ जाके बोलने लगा, महात्मा जी मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं लोगों को ठगता भी हूँ, लेकिन मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भगवान को पाना, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटती नहीं है मेरे से। महात्मा जी कहने लगे तो बिल्कुल सही जगह पे आया है। कहता है मैं कई महात्माओं के पास गया, कई संतों के पास जाके आया हूँ, सभी बोलते हैं पहले तू चोरी चकारी छोड़, पहले तू झूठ बोलना छोड़, फिर मेरे पास आ, लेकिन आप एक ऐसे इंसान जिसने आपने पहले से बोल दिया कि आप मेरे पास आओ, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। कहते हैं बिल्कुल सही, तो क्योंकि आपने अपने आप को मान लिया कि मैं चोर हूँ, आपने अपने आप को मान लिया कि मैं झूठ बोलता हूँ। ज़्यादातर तो लोग अपनी बुराइयाँ दबा के बैठते हैं और अच्छाइयों को सामने लाते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी बुराई ही सबको बताए, जो अपनी बुराई के बारे में सबको बताए। हाँ ये भी हो सकता है कि इंसान ये भी कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, जो बोलता मैं ऐसा नहीं हूँ वैसे वे होता है। जो गुस्सा दबा के रहता ना और मौन का धारण करता है कि मैं शांति हूँ, उसमें भीतर में सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है। आपको साइंटिफिक रीज़न दूंगा, क्योंकि जब भी मेरी बातें चलती हैं आगे की आगे चलती हैं। उसने फिर उस लड़के को एक गाथा सुनाई, आगे कहता था एक गांव में एक लड़का आया और बोलने लगा, गांव के पहले पगडंडियां हुआ करती थी, गांव बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और गांव कम से कम 100-100 मील तक दूर दूर तक हुआ करते थे। जब कोई इंसान गांव छोड़ता था दूसरे गांव पे जाके बसता था, शहर नहीं हुआ करते थे। और गांव के दरवाजे के आगे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था अंदर भीतर करने के, जब ना उनका निशानी होती थी यहां से गांव शुरू होता है, तो जब वो बुजुर्ग बैठा हुआ था लड़का पूछने लगा, लड़का कहता है इस गांव के लोग कैसे हैं, उस बुजुर्ग को पूछने लगा। बुजुर्ग कहने लगा तू बता तू कहाँ से आया है। कहता मैं फलाने फलाने गांव से आया हूँ। कहता वहाँ के लोग कैसे हैं। कहता वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, जीने तक नहीं देते, सबको ठगते हैं, चोरी चकारी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ के आया हूँ। कहता मत आना इस गाँव में, ये गाँव उससे भी बुरा गाँव है, ये गांव उससे भी ज़्यादा जालम है, कभी मत आना, आप किसी और गांव में जाओ। 15-20 मिनट बाद एक और लड़का वहाँ पे आ गया।
उसी बुजुर्ग से पूछने लगा, भाई बताइए इस गांव में मैं रहश करने के लिए आया हूँ, इस गांव में कैसे लोग हैं? कहता है, तू कहाँ से आया है? कहता, मैं जिस गांव से आया हूँ वो बहुत अच्छा गांव है। वो इतना अच्छा गांव था कि मुझे कुछ मेरी मजबूरी थी उसे छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कहीं भी जाऊँ मैं अपना गुजारा कर सकूँ। कहता है, फिर तेरे लिए ये गाँव बहुत अच्छा है, तू जा, तेरे लिए इस गाँव के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। क्यों? अब आपको समझ आई? थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इंसान जैसा होता है वैसी ही दुनिया मिलती है उसे। जैसा वो इंसान चाहता है कि मेरे को गुस्सा ना आए, दुनिया पूरी गुस्से दिलाने वाली मिलेगी। कहता, मैं उस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। उस बुजुर्ग ने उस आपको बोला कि तू कभी नहीं, चोरी चिकारी तो अगर बोलता है छोड़ना चाहता हूँ, भूल जा इस चीज़ को, जब तक याद रहेगा ये तेरा पीछा करते रहेंगे। भूल जा चीज़ें चोरी चकारी जो तू करता है, भूल जा सब चीज़। अगर अपने आप में ध्यान करेगा, अगर अपने आप को जान लेगा, तो कभी भी तेरे को चोरी चकारी का, जो कहते हैं मेरे को चोरी चकारी की लत लगी हुई है, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं ठगता हूँ, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तेरे भीतर अपने आप ही। इसी तरीके से जानिए अपने आप को, गुस्सा क्यों आता है? जब अपने आप को जानते ही नहीं, जब अपना कसूर दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। चलो गुस्से का एक छोटा सा टिप्स देता हूं आपको, पूरी दुनिया को, और गुस्सा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उपाय तो बाद में बताऊंगा, पहले एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो कि कभी आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। हाँ, किसी संतों के मुंह से मैं जरूर बातें सुनता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ, या मुझे अंदर से बातें आती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। आप अभी से सोचिए, जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, आप लिख लीजिए एक पर्ची के ऊपर, मेरे को गुस्सा आता है, बस उसको जेब में डाल लीजिए। और जब भी गुस्सा आने लगे उस जेब से पर्ची निकालिए और पढ़िए, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। देखिए करके आप एक दफ़ा करो, जब भी गुस्सा आने लगे पर्ची निकालना, पढ़ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है, फिर रखना। जब 3 दफ़ा पर्ची निकालोगे ना, जब भी गुस्सा आने लगेगा, अब पर्ची ढूंढने की कोशिश करोगे, गुस्सा खत्म हो जाएगा। आज ही करके देखिए, आप हैरान हो जाओगे, ये क्या कर दिया प्रोफेसर साहब ने। ये तो मैंने बात समझाने की कोशिश की कि आपका ध्यान जब भी कहीं किसी और जाता है तो वो जो गुस्सा है वो खत्म हो जाता है, मलिन हो जाता है। बड़े संतों ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं। अब मैं बात करता हूं ग्रहों की, क्योंकि जब तक मैं आपको अच्छे ढंग से ना समझा दूं तो आपको पता कैसे चलेगा। हमारी अग्नि राशियां, 3 अग्नि राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। मैंने आप सबको समझाया था, मेष राशि अग्नि यानी कि आग की राशि है, जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। सिंह राशि अग्नि की, जो कि आपकी आत्मा की, सूर्य की राशि है, जो सूर्य जीवन दान देता है, आपके भीतर बैठती है। 3री अग्नि राशि गुरु की, जिसकी रोशनी तो बहुत है लेकिन तासीर ठंडी है, उसको भी गुस्सा बहुत आता है। धनु लग्न वालों को बहुत गुस्सा आता है। मंगल की एक और राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के इंसान 2 तरह के होते हैं। चलो आज आपको वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि वृश्चिक लग्न में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, चंद्र नीच का होता है, उसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो राशि होती है हमारे गुप्त स्थान की होती है, गुप्त विद्या की राशि, यानी कि गुप्त। यहाँ पे अगर गुरु आ जाए या कोई और ग्रह राहु आ जाए तो गुप्त विद्या, अंदरों से, भीतर से, धरती के भीतर से विद्या आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत जहरीले, जो कत्लेआम करते हैं। 80% लोग वृश्चिक लग्न के होते हैं जो आत्मघात करते हैं। 80% लोग वृश्चिक लग्न के होते हैं जो लोगों को मारते हैं। 80% लोग वृश्चिक लग्न के होते हैं जो लोगों के चेहरे के ऊपर तेजाब फेंकते हैं, जो किसी को काचू मारते हैं या कुछ भी करते हैं, कर्द मारते, कुछ भी, किसी के कत्लेआम करते हैं। वो 80% लोग वृश्चिक लग्न के होते हैं। 12 लग्नों में से वृश्चिक लग्न को सबसे ज़्यादा बुरा माना गया है। लेकिन अब वृश्चिक लग्न को अच्छा भी कहता हूँ। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी घर बुरा नहीं होता, कोई भी घर अच्छा नहीं होता। उसको, वो आपकी सोच है
कि आप किसको बुरा कह रहे हो और किसको अच्छा कह रहे हो। लेकिन भगवान कहता है कि आपके भीतर है सभी बुराइयां, तभी तो दूसरों को बुरा कह रहे हो। इसलिए मैं गाथा से शुरू करता हूं ताकि आपको समझ आए कि हमारे भीतर क्या कुछ छुपा है और हम दूसरों को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। जो इंसान सबके सामने खुली किताब है, वो इंसान भगवान के सबसे नज़दीक है। जो इंसान अपने आप से बातें करता है, लोग उसे पागल बोलते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़ा होता है। अपने आप में अकेले बैठिए, तो चलो मेरी बातें आगे के आगे चली जाएंगी, वहीं पर बात हूँ वृश्चिक लग्न के ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर फिर वापस जाऊँगा। ये तीन लग्न थे हमारे जो अग्नि राशियाँ थी, वो पीछे बाद में जाऊँगा। वृश्चिक लग्न के लोग दो तरह के होते हैं, एक जो कत्लेआम करते हैं, आत्मघात करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और हमेशा दूसरों को तंग करने की कोशिश करते हैं। वृश्चिक लग्न जो होता है बहुत बढ़िया होता है, भगवान के सबसे नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक वृश्चिक लग्न होता है। लेकिन वो क्या करता है उनको पता ही नहीं चलता, वो अपनी वाणी व्यर्थ बोल बोल के दूसरों को तंग करता है, दूसरों का दिल दुखाता है और भगवान से उतना ही दूर होता जाता है और दुखी होता है। वृश्चिक लग्न, एक वृश्चिक लग्न के बंदे बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो सबकी बातें जान लेते हैं, भीतर की बातें, क्योंकि गुप्त ज्ञान मिलता है ना, भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं और सबको अंदर ही भाप लेते हैं कि आप इतने ज़्यादा ऐसे हो, अमीर बनोगे या गरीब बनोगे, आप समझदार हो। वो वृश्चिक लग्न वाले बहुत अच्छे से जान लेते हैं, दूसरों को भापने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है वृश्चिक लग्न वालों से, लेकिन वो अपनी शक्ति को नहीं जगाते, वो दूसरों की बुराइयां निकालने में लगे रहते हैं। मैंने बताया वृश्चिक लग्न के दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को पा लेने वाले, एक नास्तिक दुनिया को मारने वाले, दो तरह के लोग होते हैं। तभी तो उसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं माना जाता, कोई भी ग्रह, यहां तक के मंगल खुद भी बुरा ही होता है उसमें, अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह उसमें अच्छा नहीं होता, सभी बुरे ही होते हैं वृश्चिक राशि में। लेकिन कुछ बुरे ग्रह अगर वहां पे आ जाए तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन नक्षत्र भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि राहु और केतु का नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता, जब चंद्र आता है तो गंड मुल्क बोलते हैं, सबको पता है जो ज्योतिष करते हैं। मेरी बातें फिर आगे गए चली जाएंगी, बैक आता हूं थोड़ा सा। इसलिए जो भी कोई भी लग्न होता है, जब अब बात करता हूं मेष लग्न की, गुस्सा, जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मेष लग्न अग्नि लग्न बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। कोई भी गुस्से वाली बात उनको बोली जाए, वो अपना कमरा, अगर बच्चे तो अपना कमरा बंद कर लेंगे, किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। अगर बड़े हो चुके हैं तो वो घर छोड़ के चले जाएंगे और दूसरों को गाली गलौज करेंगे, मारने पर तलवाएंगे, बाद में 5 मिनट बाद ही सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों कह बोल दिया, क्योंकि बोलते हुए उनको पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। ये मेष लग्न वालों की बात की मैंने। लेकिन जब मेष लग्न, जब मंगल और सूर्य का मेल आ जाता है तो गुस्सा और भी बढ़ा जाता है। देखिए जिन जिन खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें एनर्जी है, वो मंगल और सूर्य का मेल होता है, वो अपनी एनर्जी को या तो वो फौज में चले जाते हैं, आर्मी में चले जाते हैं, डिफेंस में चले जाते हैं, या फिर वो गेम में चले जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो पगला जाएंगे, पागल हो जाएंगे। देखिए जिन जिन लड़कों की कुंडली में मंगल और सूर्य का मेल है, अगर ज़्यादा छोटे हैं उसको गेम खेलने के लिए दे दो, वो गेम के ऊपर दिमाग लगाएंगे, वो अपनी एनर्जी वहीं पर छोड़ेंगे, नहीं तो जिम लगा दीजिए, क्योंकि अपनी उसकी एनर्जी को वेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दिमागी प्रॉब्लम ज़्यादातर आनी शुरू हो जाती। देखिए मैं आपको योगों के बारे में बता रहा हूं, लेकिन शर्त है कि उसको कोई भी बुरा ग्रह ना देख रहा हो। अगर बुरा ग्रह देख रहा है फिर वो अकेले बैठ के अपनी शक्ति को व्यर्थ करवाएंगे। चलो इसलिए जब कभी उन मंगल और सूर्य को, उन ग्रहों को शनिदेव देख रहा हो तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत चोटें लगती हैं और ऐसी चोटें लगती हैं कि सर्जरी के योग होते हैं। जब कभी मंगल और अकेला सूर्य का मेल हो तो छोटी मोटी चोटें लगती हैं, बड़ी चोटें नहीं लगती। जब कभी शनि ग्रह बीच में आ जाए तो बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, सर्जरी के योग होते हैं, राहु कहीं बीच में आ जाते हैं। चलो अब बात आते हैं फिर दोबारा गुस्से के ऊपर। गुस्सा आता है मेष लग्न वालों को बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर वृष लग्न की बात की जाए उनको गुस्सा नहीं आता, बहुत आता है, सांड होता है,
सांड क्या करता है, चुपके से बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, उसको पूरी दुनिया उसे उठाने की कोशिश करे नहीं उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं अपनी बात में, जब उसको गुस्सा आता है वो सब गाड़ियों की गाड़ियां वो सिंग मारता रहेगा, वो होता है सांड। वृष लग्न उनको भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा तब आता है जब वृष लग्न का मालिक मंगल के साथ आ जाए, सूर्य को उसके और सूर्य की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, वो बहुत ज्यादा गुस्साइल होता है। इसलिए गुस्सा किन किन कंडीशनों में आता है, एनर्जी देखिए, एनर्जी जो एनर्जी होती है सबसे ज्यादा एनर्जी मंगल की होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी मंगल की, सूर्य की एनर्जी आपको जीवन दान देती है, गुरु की एनर्जी आपको ज्ञान देती है, ये तीनों एनर्जियां अलग अलग हैं। माफ़ करना, मैं रोकना चाहूँगी आपको यहाँ पे, यहाँ पे ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है या खासकर जिनके बच्चों को बहुत गुस्सा आता है या जिनके लाइफ पार्टनर को, बीवी या पति को बहुत गुस्सा आता है, तो क्यों, क्या ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपनी कुंडली दिखाएं, उन उपाय जो हैं ज़रूरी है ताकि ये चीज़ जो है वो बढ़ ना जाए? बिल्कुल, मैं आपको अभी से बताता हूँ, आपको बुखार लगा है, अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो वो टाइफाइड बनेगा ही ना, कीजिए ना। अगर आपको मलेरिया है, सर्दी लग के बुखार लगता है तो मलेरिया है, बुखार की दवाई लेने के लिए भागते हो डॉक्टर के पास, तो गुस्सा क्या है, यही तो है, गुस्सा बढ़ते 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 दिमाग की नसों को ब्लॉक करता जाएगा। एक छोटी सी, चलो डॉक्टर की बात आती है, जब डॉक्टर की बातें करता तो डॉक्टर की बातें भी बीच में आनी चाहिए, जैसे कि पेन किलर लेते हैं, पेन किलर का काम क्या होता है, मान लो कि आपके घुटनों में दर्द हो रही है, एक नब्ज जा रही है, जहाँ पे खून का सर्कल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, दर्द बढ़ती है, हम कहते हैं दर्द बहुत आती है। पेन किलर का काम क्या होता है, खून के दौरे को वहाँ से रोकना, पेन किलर का काम वो कम करेगा, अगर प्रेशर से खून करेगा, जहाँ से पेन होती है वहाँ पर खून जाएगा तो पेन होगी, पेन किलर का काम होता है जहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे दर्द हो रही है, उस खून के रोकना खून को, ताकि पेन कम हो जाए। इसी तरीके से दिमाग की जो ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाती है, दिमाग की ब्लॉक, एक दिमाग की जो नाड़ी होती है एक बाल की तरह होती है, दिमाग का ऑपरेशन नहीं हो सकता कभी भी, सुनिए आज से, अंदर तक जब दिमाग के ट्यूमर आ जाता है तो डॉक्टर भी बोल देते हैं इसका इलाज नहीं है, क्योंकि अंदर से आ गया, क्योंकि इतनी नाड़ियाँ, बालों के गुच्छों को किस किस नाड़ी को छेड़ेंगे, अगर वो एक भी नाड़ी टूट गई तो आपका पूरा हिस्सा ही खत्म हो जाता है। मेरी बातें वो सुन रहे हैं जो डॉक्टर बारीकी से दिमाग का काम करते हैं या दिमाग का ऑपरेशन करते हैं, उनको पता है हमारे दिमाग में कितनी नाड़ियाँ होती हैं, वो कितने बालों के जैसे बारीक नाड़ियाँ होती हैं, उनमें से खून जब जाता है, ग्लूकोज जाता है, उनमें से जब हम खाना, मैंने आपको प्रक्रिया बताई थी, फिर से बताता हूँ, जब हम कोई भी खाना खाते हैं वो खाना 2 घंटे में पाचन होता है, उसमें से रस निकलता है, उस रस को किडनी क्या करती है, खट्टा और मीठा लग करती है, और उसमें से ग्लूकोज निकलता है, वो ग्लूकोज दिल में से पंपिंग होता है, जाता है और खून बनता है ऐसे। लेकिन जब हम ज़्यादा सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, वो ग्लूकोज सीधा एमरजेंसी लाइट जलनी शुरू हो जाती है दिमाग की, वो वहाँ पर जाना शुरू हो जाता है, बारीक बारीक नाड़ियों के भीतर के ब्लॉकेज ना हो पाए। हमारे भीतर देखो मशीन कितनी समझदार है, लेकिन हम गुस्सा करके अपनी लाइफ को कम से कम 5 साल छोटा कर लेते हैं, यानी कि आपकी उम्र है मान लो 120 साल, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 70 साल से ऊपर कोई नहीं जा रहा, जो आजकल बंदे पैदा हो रहे हैं वो 70 साल से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं जाएंगे, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न दे रहा हूँ, चलो साइंटिफिक रीज़न नहीं दूँ ताकि आपको पता कैसे चलेगा, पहले आबादी कम हुआ करती थी, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था, हवा जब तक हमारे भीतर हवा वायु बहुत ज़्यादा है, दिमाग में फेफड़ों में हवा बहुत ज़्यादा है, जितनी हम हवा लेंगे, ठंडी हवा रहेंगे, ठंडी में रहेंगे तो 120 साल की उम्र पूरी भोगोगे। जैसे कि मान लीजिए एक सेब है, सेब को आप फ्रिज में रख दो तो वो कहाँ कब तक ताज़ा रहेगा, कम से कम 15-20 दिन, महीना 2 महीने तक ताज़ा रहेगा, अगर उसको बाहर गर्मी में रख दो तो एक दिन में सड़ जाएगा। ये ऐसी ही आपकी बॉडी है,
प्रदूषण में रहते हो, इतना पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा गंध है, इतनी सुगंध है, इतनी गर्मी है, तो आपकी उम्र कितनी रहेगी? 70 साल, चाहे जितने भी एसी में रह जाओ। कहने का मतलब ये है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, हर बात को, किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना। अगर मतलब गुस्सा जो है वो डिप्रेशन की तरफ लीड करता है, और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से तो लोग सुसाइड्स तक कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दिमाग की नाड़ियाँ जब कमजोर होती हैं तो हमारे दिमाग की ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और दिमाग का कारक कौन है? बुध। देखिए मंगल किसको खराब करता है? बुध को। मंगल, तब हमारे ऋषि मुनि बहुत समझदार हुआ करते थे, ऐसे ही नहीं बुध का मंगल के साथ क्यों बैर बना रखा है पता है आपको? पता है आपको, जब भी मंगल और बुध इकट्ठे होते हैं और कुंडली में मंगल बध हो जाता है, मंगल क्या है? अग्नि। बुध क्या है? दिमाग। ठंडा दिमाग को हमेशा ठंडा होना चाहिए। हम कहते हैं ना, पैर हमारे हमेशा गर्म होने चाहिए, दिमाग हमारा, सिर हमेशा ठंडा होना चाहिए। लेकिन आज तक पता क्या होता है? पैर ठंडे होते हैं, दिमाग गर्म होता है। देखिए आप अपने, और देखिए आप कितने बीमार हो चुके हो। देखिए मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ और आपको ग्रहों के बारे में बहुत बारीकी में बता रहा हूँ, लेकिन हम इन बातों को नहीं समझते। हम कहते ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक एक नब्ज है जो आपके भीतर, उसमें ज्योतिष है। क्योंकि जब गुस्सा आता है, सबसे पहले मंगल बुध को नुकसान पहुंचाता है, और बुध है आपका दिमाग। जब गुस्सा आता है, खून का दौरा एकदम से तेज हो जाता है, उसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा चंद्र उबाल मारता है। चंद्र क्या है? पानी। 70% पानी हमारे भीतर है। जब कभी चंद्रमा धरती के नजदीक आता है तो ज्वार भाटा आती है। क्यों पानी उछलता है? क्योंकि जब गुस्सा आएगा, मंगल और चंद्र दोनों ही खराब हो जाएंगे, बुध बिल्कुल पिट जाएगा, और कहते हैं दिमागी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, कामकाज। बुध कामकाज के साथ भी जुड़ा हुआ, तो ना बुध ये नहीं कि आपके दिमाग के साथ भी जुड़ा हुआ है, कामकाज के साथ भी जुड़ा हुआ है, कामकाज बंद होना शुरू हो जाएगा। बुध कामकाज तो छोड़ो, बहन बुआ मासी दुखी हो जाएंगी। बहन बुआ मासी छोड़ो, जितने भी ट्रेडिंग के काम है सारे सभी बंद हो जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब, बात ऐसी है कि मिनट्स बहुत थोड़े रह गए हैं, और तभी आजकल बहुत लोग कह रहे हैं कि एपिसोड को आप 1 घंटे का कर दीजिए, तो 2 या 3 मिनट बचे हैं, तो इसमें आपसे गुजारिश है कि आप उपाय ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि जाते जाते उपाय ज़रूरी हैं। क्योंकि उपाय सभी कुंडलियों के लिए तो नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि हर एक कुंडली की, किसी कुंडली में बुध अलग होता है, किस घर का मालिक है, चंद्र किस घर का मालिक है, लेकिन मोटा मोटा जरूर बताऊंगा। आज मैं वो बात बताऊंगा जो आप भूल चुके हो, आज मैं वो बात बताऊंगा जो आपकी पीढ़ी पहले करती थी। मैं पुरानी पीढ़ी की बात क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि पुरानी जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे से ज्योतिष बहुत मिलता है, लेकिन हम पुराने बुजुर्गों के साथ बैठते ही नहीं। कहते हैं बुजुर्ग के पास क्या बैठना, मैं बुजुर्ग के पास ही बैठता हूँ हमेशा, ज्योतिष इकट्ठा करता हूँ, आप सबको बताता हूँ। सुनिए फिर, जो आज तक पहले आपके बुजुर्ग करते थे और आपने बंद कर दिया, और आप जो बात बताने वाला हूँ अब सुन के हैरान हो जाओगे, क्या बात है प्रोफेसर साहब ने इतनी पुरानी बात आज कर दी। जब हम दोपहर को खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? जब भी दोपहर को खाना खाते तो क्या होता था, हमारे जो मदर थे, बुजुर्ग थे, दूध की लस्सी बनाया करते थे, कच्चे दूध की लस्सी वो पिया करते थे खाने के, दोपहर के खाने के साथ कच्चे दूध की लस्सी। ये नहीं कि उबला हुआ दूध की लस्सी बना के, नेवर, नहीं, ये भी नहीं दही की लस्सी, कच्चे दूध की लस्सी। मेरे को अभी तक याद है, जब मैं छोटा था, 4-5 साल का था, मेरी मम्मी भी, मेरे फादर साहब भी मेरे को बना के दिया करते थे मक्की की रोटी के साथ, कच्चे दूध की लस्सी, क्योंकि गर्म होता था उसकी तासीर ठंडी होती थी, खाने के बाद वो पियो। इसीलिए कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना है तो जो इंसान खाना गर्म खाते हैं, जो इंसान खाना स्पाइसी खाते हैं, वो तो बीमारियां लगाते ही हैं, क्योंकि स्वाद अपने दांतों को अच्छा लगता है, अपनी जुबान को अच्छा लगता है, भीतर स्वाद अच्छा नहीं होता, वो उसकी बात मैं फिर जाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है। कच्चे दूध की लस्सी बना के पीना शुरू कर दें, 90% लोगों को फर्क पड़ जाएगा और गुस्सा आना बंद हो जाएगा। मेरे तो ऐसे ही उपाय होते हैं, आप सबको पता है, जब भी मैं बात करता हूँ बुजुर्गों की बात करता हूँ, और ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा। तो बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में, हालांकि डर लगता है जब ऐसा गुस्से जैसा टॉपिक हम ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब ऐसे हैं कि उन्होंने इस तरह से इस ज्ञान को बांटा है। समझ में नहीं आया कि ये एपिसोड जो था वो हेल्थ का था,
या फिर ज्ञान का था या फिर ज्योतिष का था। तो यही खासियत है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ की। नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट मिलेगी, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन ये आप ही के लिए अच्छा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।